नमस्कार, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक पर। मैं यानी प्रतीक भट्ट लेकर आया हूँ इस सप्ताह की राशि पर क्या होगा आपका मेष से लेकर मीन तक, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले सप्ताह की मुख्य बातें, सबसे पहले सप्ताह की जो मुख्य बात है वो ये कि भारत को नया प्रधानमंत्री, जो अभी तक मोदी जी वापस मिलने जा रहे हैं, नया जनादेश आया है, उसकी शुभकामनाएं। उसी के साथ साथ ये सप्ताह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं ज्येष्ठ महीना चल रहा है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना बहुत हितकारी रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा जाता दिख रहा है, कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। जीवन में थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है आर्थिक पक्ष पर, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आर्थिक पक्ष के अलावा ज़िंदगी अच्छे से जाती दिख रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए कोई निर्णय मत लीजिएगा, जितना हो सके टाल दीजिए। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए खास तौर से सप्ताह अच्छा है। मनी रिलेटेड कोई फ़ायदा हो सकता है, अचानक कहीं से गेन हो सकते हैं, नौकरी व्यापार में सफलता मिल सकती है। खास तौर से वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं, तो आपको ध्यान देना होगा, इसलिए थोड़ा सा वैवाहिक जीवन पर ध्यान दीजिएगा। प्रेमी जोड़े भी थोड़ा ख्याल रखें, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आपके लिए शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ कलर क्रीम रहेगा और उपाय ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का पाठ रहेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों, सप्ताह अच्छा जाता दिख रहा है। खासतौर से बुधवार से शनिवार तक कोई बड़ी सफलता मिलेगी, कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है, कहीं बड़ी जगह ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रांसफर के भी चांसेस रहेंगे। जीवन बेहतर रहेगा, जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, शेयर मार्केट सप्ताह मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो लाभ होता दिख रहा है। उसी के साथ साथ जो लोग स्पोर्ट्स में, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है इस सप्ताह। जो लोग कम्युनिकेशन में, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है इस सप्ताह। पारिवारिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, प्रेमी जीवन भी अच्छा रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। शुभ कलर ग्रीन रहेगा, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ मंत्र आपके लिए इस सप्ताह रहेगा ओम बुम बुद्धाय नमः। सप्ताह का मध्य में खास तौर से सब लोगों को कुछ छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। वो छोटा उपाय गुडलक मंत्र, सक्सेस मंत्र, लकी मंत्र मैं बताऊंगा कन्या राशि के बाद, तो जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों। कर्क राशि वालों का थोड़ा जीवन में उथल पुथल हो सकता है, थोड़ी सी बीमारियां घेर सकती हैं, खुद का स्वास्थ्य, पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, नहीं तो थोड़ी दिक्कत परेशानी आ सकती है। पुत्र का अगर कोई रिजल्ट आना है तो अच्छा आएगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की, सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, जीवन बेहतर होता दिख रहा है। उसी के साथ साथ आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा जाता दिख रहा है। बिजनेस में कोई बड़ा गेन कर सकते हैं, व्यापार में कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, जिससे कर्क राशि वालों को सफलता मिलेगी। शुभ कलर व्हाइट रहेगा, शुभ अंक 2 रहेगा और उपाय ओम सोमाय नमः इस मंत्र का पाठ कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के जीवन ठीक है, मिला जुला सप्ताह है। मंगलवार और बृहस्पतिवार खासा शुभ जाएंगे। ओवरऑल सप्ताह ठीक रहेगा, आर्थिक पक्ष एवरेज रहेगा। खास तौर से सामाजिक जीवन में बढ़ोतरी होगी, सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, जीवन में कहीं ना कहीं तरक्की करेंगे, जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सप्ताह अच्छा है, कोई पुराना रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। इसी के साथ साथ माता पक्ष और पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है। शुभ अंक आपके लिए 1 रहेगा, शुभ कलर ऑरेंज रहेगा और शुभ मंत्र ओम मित्राय नमः 12 बार रोज पढ़िएगा, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए मिला जुला है सप्ताह। मंगलवार और शनिवार सचेत रहिएगा, कोई चीज खो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, कोई आपकी प्रतिष्ठा पर आँच लगा सकता है, आँच दे सकता है, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट के बाद बात करें तो इस सप्ताह इन्वेस्टमेंट टाल दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टालिए, बेहतर रहेगा। शेयर मार्केट सट्टा मार्केट में ना इन्वेस्ट करिएगा, ज़्यादा बेहतर है। नौकरी व्यापार में शत्रु पक्ष हावी होगा, शत्रु कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, जीवन में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। बाकी सप्ताह आपका अच्छा दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी अच्छा दिख रहा है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ मंत्र आपके लिए ओम राम राहुए नमः रहेगा और शुभ कलर ग्रीन रहेगा इस सप्ताह आपके। तो अब सप्ताह का सबसे बड़ा मंत्र, सक्सेस मंत्र, लकी मंत्र, गुरु मंत्र, मनी मंत्र। मंगलवार के दिन सारे राशि वाले हनुमान जी को जाके लाल चोला चढ़ाते हैं। ये छोटा सा उपाय जेठ के महीने में किया हुआ बहुत फायदा देता है। किसी तरह की कोई भी समस्या अपने मन में सोचें और ये उपाय कर लीजिए, आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का सप्ताह बहुत अच्छा जाता दिख रहा है।
फैमिली के साथ पीसफुली अपना जीवन एंजॉय करेंगे, फैमिली लाइफ एंजॉय करेंगे। नौकरी व्यापार में कोई तरक्की दिख रही है, पैसे रुपए में कोई तरक्की दिख रही है, कोई नया जॉब ऑफर आ सकता है, कोई नई जगह ज्वाइन कर सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलती दिख रही है, नौकरी में पदोन्नति प्रमोशन की संभावनाएँ हैं, बिजनेस में कोई नया डील मिलने की भी संभावनाएँ दिखती हैं, ओवरऑल लाइफ अच्छी जाती दिख रही है। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ कलर क्रीम रहेगा, शुभ मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः इसका पाठ करना है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों का सप्ताह मिला जुला रहने वाला है, थोड़ा भाई बंधुओं से विवाद हो सकता है, पैतृक संपत्ति में समस्या आ सकती है, रोग कष्ट में से भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तब रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कतें आती दिख रही हैं। ओवरऑल महीना मध्यम, सप्ताह भी आपके लिए मध्यम जाता दिख रहा है, थोड़ा प्रयास ज़्यादा करिएगा तभी चीज़ें मेटरलाइज होंगी। अब शुभ अंक की बात करें, एक शुभ कलर रेड और शुभ मंत्र आपके लिए रहेगा, मंगल भवन मंगल हारी दबो सदस्य अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, इस मंत्र की उपासना करें कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के सप्ताह बहुत अच्छा, जीवन बेहतर होता दिख रहा है, लाइफ में कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन शनि की 7:30 बजे थोड़ी सी थोड़े दिन परेशान रहेंगे, गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, पुलिस कचहरी से बच के रहिएगा नहीं तो फंस जाएंगे, कोर्ट कचहरी से बच के रहिएगा नहीं तो फंस जाएंगे, वाद विवाद से दूर रहिएगा, पैतृक संपत्ति का विवाद हो सकता है, पड़ोसियों से विवाद हो सकता है, नौकरी व्यापार में शत्रु आपका नुकसान पहुँचाएंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, सचेत रहिएगा। उसी के साथ साथ अगर धन की बात करें, धन एवरेज आता दिख रहा है, कहीं नई जगह इन्वेस्ट ना करें नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों के लिए सप्ताह एवरेज है, मंगलवार बृहस्पतिवार खासा सचेत रहना है नहीं तो नुकसान हो जाएगा, शनिवार थोड़ा बेहतर होगा लेकिन ये बेहतरी इतनी बेहतरी नहीं है कि आपको ध्यान ना दे, बहुत ध्यान रखिएगा, जीवन में दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो उसे रोक दीजिएगा, जुलाई के बाद करिएगा नहीं तो दिक्कत परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। धन संपत्ति के मामले में अगर बात करें तो एवरेज सप्ताह दिख रहा है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं ना करिएगा नहीं तो नुकसान हो जाएगा। शुभ कलर आपके लिए ब्लू रहेगा, शुभ अंक आपके लिए 5 रहेगा, शुभ उपाय आपके लिए ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का पाठ रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह एवरेज जाता दिख रहा है, कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं है, जीवन में इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो ये सुनहरा दौर है, कर सकते हैं, नई शादियाँ होंगी, नए प्रेमी युगल आपस में जुड़ेंगे, पैसे के लिहाज से भी सप्ताह अच्छा जाता दिख रहा है, आप नए प्रमोशन मिल सकता है, नए लोगों से मिलेंगे, मित्रों से खासा तौर पर सहयोग मिलता दिख रहा है, लेकिन पैतृक संपत्ति में कोई नुकसान हो सकता है तो उसके मामलों में ध्यान रखिएगा। नौकरी व्यापार सब जगह तरक्की मिलती दिख रही है, सप्ताह आपका खासा अच्छे तौर से बीतता हुआ मुझे दिख रहा है। शुभ अंक की बात करें तो 7 रहेगा, शुभ कलर की बात करें तो नेवी ब्लू रहेगा, शुभ आपको क्या उपाय करना है ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का पाठ करिए। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। जीवन बेहतर, सब कुछ मिलने वाला है इस सप्ताह, वह फैमिली पैतृक संपत्ति सब में लाभ होता दिख रहा है, आमदनी सडनली बढ़ने वाली है, कहीं से कोई सुखद समाचार मिलेगा, जीवन बेहतर रहेगा, लाइफ में आगे बढ़ना है, नौकरी व्यापार में खासा तौर से तरक्की करते दिख रहे हैं, खास तौर से धन के नए स्रोत खुलेंगे, नौकरी व्यापार के नए स्रोत खुलेंगे, आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उसी के साथ साथ पत्नी पत्नी का और पत्नी पति का सहयोग बहुत करेंगे, उसमें लाभ मिलेगा, बच्चा भी जीवन में अच्छा करेगा, कोई छोटी मोटी अगर हेल्थ की दिक्कत थी तो इस सप्ताह खत्म होती दिख रही है, नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सप्ताह बहुत शुभ रहेगा उसके लिए भी। तो अब आपको बता देते हैं, शुभ अंक रहेगा आपके लिए 1, शुभ कलर आपके लिए रहेगा येलो, शुभ आपके लिए मंत्र उपाय रहेगा ओम मीनाधिपतये नमः। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, औरों तक पहुँचाइएगा। आज के लिए साप्ताहिक राशिफल में फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।